दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप जीत जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हांगकांग की टीम भले ही मुकाबले को हार गई हो, लेकिन हांगकांग के ही उपकप्तान ने मुकाबले में कुछ ऐसा कर दिया कि देखकर बैठा हर एक व्यक्ति अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या था पूरा वाक्य जिसे देखकर रोहित कोहली भी पेट पकड़कर हंस पड़े, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित कोहली और बाबर में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और हांगकांग की टीम के बीच में एशिया कप का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि जैसे ही मुकाबले की शुरुआत हुई, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की दास्तां भी लिखी जा रही थी। रोहित और केएल राहुल ने काफी अच्छी व धुआंधार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को इतनी जोर से आगे बढ़ाया कि हमारा स्कोर कब में कब 192 पहुंच गया, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली तो कोहली भी 44 में 59 रन लगा कर गए। दोनों खिलाड़ियों की मजबूत पार्टनरशिप भारत को वो 100 से 200 रन दे चुकी थी जो टीम को चाहिए थे। खैर दोस्तों हांगकांग के सामने 193 का लक्ष्य था, जाहिर सी बात है भारतीय गेंदबाजों के सामने वो कहां ही टिक पाते। लेकिन फिर भी हांगकांग की टीम ने फाइट बैक किया और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वो 240 रन के अंतर से ही हारे। लेकिन दोस्तों हांगकांग की टीम भले ही हार गई, लेकिन अपनी टीम की हार से टीम के उप कप्तान को लगता है कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि दोस्तों किंचित शाह जो कि हांगकांग की टीम के उप कप्तान है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि देखकर हर कोई तंग रह गया। दरअसल दोस्तों किंचित शाह अपनी मंगेतर को भी मैदान में लाए हुए थे और वो मुकाबले को देख रही थी, परंतु जैसे ही अफगानिस्तान की टीम हार गई वो तो दौड़े चले गए और स्टैंड्स में जाके सीधा अपनी मंगेतर को प्रपोज कर दिया। दोस्तों ये वाक्य देख सबके चेहरे पे सबसे पहले तो हंसी आई और फिर सबको वो वाक्य याद आया जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार के आईपीएल में हार गई थी, लेकिन दीपक चहर खुद को रोक नहीं पाए और दौड़े हुए गए थे अपनी मंगेतर के पास और उन्हें भी रिंग पहनाकर प्रपोज कर दिया था। ठीक वैसा ही एक वाक्य दोस्तों हांगकांग की टीम के उप कप्तान किंचित शाह ने किया है। इस तरीके का कारनामा देखकर हर कोई हंसने लगा था। दोस्तों रोहित और कोहली के चेहरे पे भी हंसी थी, हर कोई तालियां बजाकर इस जोड़े के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वाकई में यह नजारा देखकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।